सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मास्क नहीं हटाऊंगा। आई होप आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ऑडियो क्वालिटी में। नाउ गाइस, जब भी मैं कोई भी ट्रू वायरलेस हेडफोन पिक करता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज ऑलवेज होते हैं। उसमें से एक होता है कि उसका रेंज कैसा है और कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है। इससे पहले हमने रेडमी ईयर डॉट्स चेक किया था, जहाँ तक मुझे याद है उसकी रेंज अराउंड 30 फिट के आसपास थी। आप स्टेप्स और फीट्स कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आज हम इसी का चेक करते हैं अगेन, मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 का। और ये वाइट कलर है, उसका ड्रॉबैक क्या देखिए, पॉकेट में रखा नहीं कि यहाँ पे कुछ थोड़े से यहाँ पे ब्लैक से स्पॉट पड़ गए। ओके गाइस, चलिए अब रेंज चेक करते हैं। मैं फ़ोन पे अपना एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ और फ़ोन यहाँ पे रखा रहेगा और मैं एकदम बाउंड्री तक जाता हूँ। मैं स्टेप्स काउंट करता हूँ, आप फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी इससे मेरे ईयर से कनेक्ट है प्रॉपरली और कनेक्टिविटी का ग्रिप काफ़ी अच्छा है, अभी तक एक बार ही बाहर नहीं निकला। तो ये रहा, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। तो 1, 2, 3, 30। तो अभी मैं गाइस 30 स्टेप्स तक आ गया हूँ और 30 स्टेप्स तक साउंड बहुत ही प्रॉपरली आ रहा है। 31, 32, 40 स्टेप पे मुझे एक बार लगा कि हल्का सा डिस्कनेक्ट हुआ है। 40 स्टेप पे, 52 पे अगेन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन अभी भी प्रॉपरली कनेक्टेड है। 60 स्टेप तक अगर मैं स्टैंड हूँ, खड़ा हो जाता हूँ तो कनेक्शन प्रॉपर है। 70 स्टेप्स तक भी कनेक्शन ओके है, लेकिन हल्का सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। 80 स्टेप पे कनेक्ट तो है लेकिन ब्रेक हो रहा है। और 100 स्टेप्स तक कनेक्टेड तो है जब मैं एकदम स्ट्रेट हूं। वहां पे देखिए 120 स्टेप तक अभी भी कनेक्शन, लेकिन मैं एकदम स्ट्रेट हूं ये ओपन ईयर में। 120 स्टेप के बाद कनेक्शन इनएक्टिव हो गया है, कोई भी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब मैं रन करके वहां तक जाता हूँ। दौड़ने के बाद भी ये कान से बाहर नहीं निकला है। सो कनेक्शन स्ट्रेंथ ठीक है, साउंड क्वालिटी भी ठीक थी। और नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, सो डिफिकल्ट, काफ़ी वहाँ पे पक्षी थे, कौवे थे, क्रो, सो नॉइस हल्की सी आ रही थी, आप फील कर पाएंगे कि यस किस जानवर की आवाज़ है, कौन सी आवाज़ है। थोड़ी सी घटी थी, बहुत नहीं है, 80-90% में कहूँगा कि यू नो इसमें नॉइज रिडक्शन अच्छा था। बची हुई चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि कितना ड्यूरेबल है, स्प्लैश इफेक्ट नहीं है, बैटरी बैकअप कैसा है, मुझे जो स्टैट्स मिले, यू नो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैं क्विकली आपको पैकेज दिखा दूँ इसका कैसा दिखता है। छोटा सा पैकेज है, जैसा हमने पहले रेडमी ए डॉट्स में देखा था वैसा ही पैकेज आया है। एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे आपको मिलेगा अंदर। यहाँ पे ये आपके ईयरफोन से TWS, यहाँ पे कुछ क्विक मैनुअल है एंड ये आपकी चार्जिंग केबल। ऑलराइट, इटसेल्फ केस पे आते हैं कि केस कैसा दिखता है। मैं आपको साइज कंपैरिजन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका चार्जिंग केबल है, ये आपका पेयरिंग बटन है, आपको इनिशियली 2 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। एंड हिंज मैकेनिज्म इसमें दी गई है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और बैटरी अगर लो होती है तो यहाँ पे रेड लाइट ग्लो करती है, और पेयरिंग बोर्ड में आता है तो यहाँ पे व्हाइट लाइट ग्लो करती है। हिंज इसका कितना टाइट है वो भी चेक करते हैं, मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा कस के पुश करने के बाद भी ये ईयरफोन्स इसके बाहर नहीं है, यानी कि मैग्नेट अच्छा है। और ये नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे कुछ रबराइज कोटिंग लगानी चाहिए ताकि थोड़ा सा नॉइस कम आना चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट माइक मिलेंगे, फर्स्ट यहाँ पे टॉप में और एक बॉटम में। एंड ये स्पीकर्स इसके दिए गए हैं, टाइनी स्पीकर्स हैं जो यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्विकली मैं आपको साइड कंपैरिजन दिखा दूँ, कुछ डिफरेंट कॉमन डिज़ाइन जो कि मार्केट में अवेलेबल है अभी मेरे पास जो है मैं आ रहा हूँ। और ऑल्सो आप Redmi का खुद का देखेंगे, Redmi ईयर डॉट्स भी हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म कितना अच्छा है, ये मैग्नेटिक नहीं है लेकिन कुछ ऐसा टाइट सा बनाया गया है।
देखिए जहाँ पे आप रोकेंगे, जैसे जैसे लैपटॉप में हिंज होता है ना, ये वैसा है, देखिए वापस नहीं जा रहा है, जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहीं चला जाएगा। तो कॉमन साइज आपने देखा होगा और सिमिलर साइज हमने पहले भी देखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए विंग्स का हमने देखा है एग्जैक्टली वैसा ही शेप है, बस सर यू नो राउंडेड कर्व्स दिए गए हैं। और रियल मी बर्ड्स एयर भी वैसे ही हैं, थोड़े से राउंडेड कर्व्स में दिए गए हैं। तो अब गाइस बात करते हैं एक्चुअल क्वालिटी कैसी आई ऑडियो की और अदर फैक्टर्स की, लाइक यू नो साउंड कैसा है। कॉल क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर में, तो नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है, 80-90% है कॉल के वक्त भी, और साउंड इसका बात करते हुए काफ़ी लाउड है, आपको प्रॉपरली सुनाई पड़ेगा। तो कॉल क्वालिटी इसकी वेरी एक्सीलेंट है विद अच्छा नॉइस कैंसिलेशन जो इसमें दिया गया है, ENC यानी कि इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन। ओके, अब अगर हम कुछ और इसमें ऑडियो के टर्म्स में है, यानी कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, नाउ फर्स्ट लेटेंसी की बात करें, तो लेटेंसी मुझे ज़्यादातर केस में इसकी सही नजर आई। इनफैक्ट मैंने इसमें ऑलमोस्ट 30+ मिनट पबजी प्ले किया लगा के, तो मैं कहूँगा कि 95% एक्यूरेसी है लेटेंसी की। एक दो बार ही ऐसा लगा कि लेटेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ज़्यादातर केस में लेटेंसी ठीक है, तो 90-95% आप लेटेंसी इसकी अच्छी मान सकते हैं ना। और बैस की बात करें, तो बैस मुझे अगेन इसका गुड लगा, ना ही पंची है ना ही थोड़ा बैस हेड है, बैस में कहूँगा ओके है, एवरेज से ऊपर है, यू नो जो माइनोट नॉइज होती लो फ्रिक्वेंसी की सुनाई पड़ रही है, डिपेंड करता है म्यूजिक टू म्यूजिक, अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ म्यूजिक हिडन रहेंगे, लेकिन अदरवाइज जनरल म्यूजिक जो भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे बॉलीवुड हॉलीवुड के, तो उसमें मुझे बैस ठीक लगा। ट्रेबल भी इसका अच्छा है, जो भी हाईएस्ट पिच साउंड आपको दिखेगा सुनाई पड़ेगा वो भी आप सुन सकते हैं, ट्रेबल इसका ज़्यादा बेटर लगा मुझे, इनफैक्ट बैस उतना बेटर नहीं लगा लेकिन ट्रेबल इसका ठीक लगा, थोड़ा सा लाउड म्यूजिक है। वॉल्यूम लेवल भी काफ़ी हाई इसका है, मैं अराउंड 50-40% भी सुनता हूँ उसमें भी काफ़ी लाउड हो जा रहा था। इसका टच कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ और कनेक्शन दिखाता हूँ, फर्स्ट मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। तो अगर आपकी रेडमी डिवाइस एंड्रॉइड 10 पे चल रही है तो आपको कुछ अच्छा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपके देखिए नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, जैसे देखिए आ गया ना ऑलरेडी फाइंड एयर टू, यानी कि ये आ गया है, अपने आप ही वो कनेक्ट होगा अगर आपने ऑलरेडी पेयर कर रखा है। और देखिए बॉक्स का परसेंटेज दिखा देगा और ये दोनों ऑलरेडी फुल हैं, अभी 20% बॉक्स में लेफ्ट। मेरी कंप्लेंट क्या है कि ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये जो UI देख रहे हैं, ये इटसेल्फ आपका सिर्फ रेडमी के फोन्स में ही है, यानी कि MIUI में ही मिलेगा, तो ये फीचर सब में देनी चाहिए, आई डोंट नो कंपनी ने क्यों नहीं दिया। अब ना इसमें आपको कुछ फंक्शनैलिटी बता दूँ, राइट साइड में आप दो बार इसको प्रेस करेंगे तो देखिए गाना इसका पॉज हो जाता है, एंड अगेन दो टाइम प्रेस करेंगे तो प्ले हो जाना चाहिए। तो टच कंट्रोल इसका अच्छा नहीं है और जैसे ही आप ये बाहर निकालेंगे इसमें स्मार्ट एरिया डिटेक्शन है और वो अपने यहाँ पॉज जाता है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा जो ये हिस्सा नीचे है यहाँ पे आपको प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर लगा होगा। अब नाउ अगर आपको वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करना है आपको इस साइड डबल टैप करना पड़ेगा, यहीं पे आपको दो बार प्रेस करना है। तो जो भी असिस्टेंट आप यूज करते हैं सिरी गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा भी इससे कंपैटिबल है तो वो उसमें चल जाएगा। अब मैं आपको बैटरी स्टैट्स बता दूं, करेंटली मैंने मुझे याद है मैंने कितना कितना इसमें प्ले किया, तो 6.5 घंटा मुझे मिल गया अभी तक और 20% ये चार्ज है, ये जो इंडिविजुअल है मैंने लगातार 1-1.5 घंटा सुना है और उसमें ये डिस्चार्ज नहीं हुए। तो अगर मैं इसका 2-2 घंटे लेके चलूँ अगर सिंगल तो 4 घंटे ये हो गए और 6.5 घंटे यहाँ मिले, 20% यहाँ है, तो लगभग आप 12-13 घंटे लेट्स अज्यूम 14-14 घंटे आप आराम से पहुंच सकते हैं। क्विकली हम 1 मिनट का इसमें स्प्लैश टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता। मैं मड पॉट में ही ज़्यादातर कुकिंग करता हूँ, अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो मेरा कुकिंग चैनल चेक कर लीजिएगा। ओके गाइस 1 मिनट हो गया है, इसको हम बाहर निकालते हैं एंड क्लीन करता हूँ मैं, फिर हम देखते हैं क्या ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। मैंने अराउंड 1/2 आवर इसको क्लीन किया ओपन करके, यू नो तेज हवा में रखा, कंप्लीटली ड्राइप हो चुका है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं फ़ोन से। ओके ये ऑन हो गया है एंड होपफुली ये कनेक्ट भी हो जाना चाहिए। बैटरी भी ब्लू है, मैंने चार्ज नहीं किया है, बस उसको ऐसे ही रखा है। एंड इन केस नहीं कनेक्ट होता तो आपको ये 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, तब ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको ओपन करेंगे
तो देखिए ये आसानी से कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन भी ओके है, यानी कि सॉर्ट ऑफ ये स्प्लैश प्रूफ है। तो सभी चीज़ें गाइस हमने इसमें देख ली जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं GWS के लिए। फाइनल बजट की बात करें जिस प्राइस में ये मिल रहा है, अभी तो ये 4 का है लेकिन कुछ दिन बाद ये 4,500 का हो जाएगा। तो 4,500 में मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है वो है स्पेशली वायरलेस चार्जिंग, जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ एक GWS में। तो मुझे इस चीज़ की आदत है, मेरे पास ऐसा फ़ोन है, अगर आपके पास ऐसा फ़ोन नहीं है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो ये फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ओके नाउ, बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखे हैं यू नो GWS यूज़ किए हैं, दर्जन भर से ज़्यादा। एक्स्ट्रा कमांड्स भी मिलते हैं जो आप ईयरफोन से एक्टिवेट कर सकते, ट्रिपल टैप करके यू नो राइट साइड ट्रिपल टैप करें नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा, इस साइड ट्रिपल टैप करेंगे तो वो प्रीवियस ट्रैक में आ जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लॉन्ग प्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं स्पेशली म्यूजिक लवर्स के लिए जो इसमें नहीं है यू नो ना। उसके अलावा ये जो इसका टच है ये काफ़ी छोटा है, या तो एग्जैक्टली कुछ सेंसर हो या लाइट यहाँ पे होती कि कुछ अलग सा एरिया होता, हल्का सा कुछ कटआउट होता कि वहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो ये भी अगेन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस प्राइस में ये मिल रहा है उसमें आपको अच्छी साउंड मिल रही है, बैटरी बैकअप अच्छा है इसका, पेयरिंग अच्छी है, रेडमी के फ़ोन रखे हैं तो आपको कुछ अच्छा फैंसी वाई मिलेगा लाइक एयरपॉड्स। बट मैं ऐसे GWS प्रीफर करता हूँ जिससे मुझे यू नो साथ में एज एन ऑप्शनल पावर बैंक का फीचर मिल जाए। और लाइक गाइस, तो ये थे मेरे कंप्लीट थॉट्स इस मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2K। तो जैसे आपकी नीड हो प्रोस एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस वीडियो को देखने का। मेरा नाम सौरभ है, नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे।